डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया हौसला देखकर, मंजिल आती गई करीब मेरे सिर्फ मेरा हौसला देखकर। सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन में कर चुके थे और हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज निकाल लिया था और वहाँ पर जो हमको आया था वो एंगल आपको 45 डिग्री आया था। आज उससे आगे की बात होगी और आज थोड़ी विशेष बात होगी, थोड़ी खास बात होगी, थोड़ी इम्पॉर्टेंट बात होगी और ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन को तो कवर करेगा ही करेगा, कंसेप्चुअल सेक्शन को भी प्रॉपरली कवर करेगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और इस बात को ध्यान में आप भी रखें, मैं भी रखता हूँ। ओके, तो फिलहाल अगर ये एंगल 45 हुआ था, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री, तो ऐसे केस में आर जो था वो मैक्सिमम था और आर मैक्स की वैल्यू की बात करें, अगर ये 45 पुट कर देते तो यहाँ पर साइन 90 हो जाता, यानी आर मैक्स का वैल्यू जो आता वो आता यू स्क्वायर बाय जी। अब थोड़ी एक चर्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4.7 में, जिसको गैलीलियो के साइंस इरा बुक से लिया गया है, उसको दिया है कि अगर ये एंगल 45 से थोड़ा कम पे फेंकें तो ऑब्वियस है कि रेंज मैक्सिमम तो नहीं होगा, कुछ कम होगा। ओके, और उतने ही एंगल ऊपर अगर फेंकें हम तो भी रेंज वहीं पे अगर आ जाए या आए, ये प्रूफ करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इस एंगल को हमने अल्फ़ा लिया, अल्फ़ा लेने के साथ आपको जो थीटा वन की बात होगी, यहाँ पर थीटा वन पहले वाले के एंगल, इसको पाथ नंबर वन मान लेते हैं, इसको पाथ नंबर टू मान लेते हैं, तो वो 45 से लेस की बात कर रहा है, यानी 45 माइनस अल्फ़ा होगा। और दूसरा ऊपर का भी एंगल 45 से आपने अल्फ़ा लिया है तो ओबियस है कि ये थीटा टू के वैल्यू की बात करेंगे तो ये 45 प्लस अल्फ़ा होगा। ओके, चलिए इस दोनों केस की बात कर लें, अब रेंज निकाल करके देखें। हाँ, रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है, पहले भी लिखा हुआ था यू स्क्वायर बाय जी और इनटू साइन टू थीटा। ओके, याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन टू थीटा है। तो चलिए फर्स्ट के लिए, फोर किसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट पाथ, पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री, तो पहले पाथ के लिए आपने लिखा थीटा वन इज इक्वल टू ऐसा, तब आर वन क्या लिखेंगे, आर वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा यू स्क्वायर साइन, ओके थीटा वन हो गया है तो यहाँ पर 45 माइनस अल्फा और यहाँ टू भी रहेगा साथ साथ बाय जी। अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करके क्या आएगा, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ देखिए साइन 2 × 45 मतलब 90 माइनस टू अल्फा, ओके ऐसा कुछ आया आपके पास बाय जी। और मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके पास यू स्क्वायर है ना, साइन को कॉस बना दीजिए क्योंकि 90 माइनस है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर कॉस टू अल्फा बाय जी, ये आपका आर वन का एक्सप्रेशन आ गया। अब R2, सेकेंड पाथ के लिए R2 है ना, सेकेंड पाथ के लिए मतलब फोर, आपके पास सेकेंड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री नंबर टू क्या दिया हुआ है, तो वो मिल गया थीटा टू, थीटा टू आपको 45 से अल्फा एक्सीड कर रहा है, और ऐसे केस में तब R2 का एक्सप्रेशन जो लिखेंगे यू स्क्वायर तो आपके पास होगा ही साइन टू थीटा टू हो जाएगा बाय जी, और ऐसे केस में ये तो यू स्क्वायर साइन 2 × कितना 45 डिग्री प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय आपके पास जी, जिसको आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन है ना 2 × 45 90 प्लस 2 अल्फा। अच्छा, एक बात मालूम होना चाहिए कि 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों में साइन के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो जो चेंज हो करके आपको मिलेगा यू साइन, ये तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 का जब भी मल्टीपल होता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, ट्रिगोनोमेट्री का जो रूल्स है ट्रांसफॉर्मेशन का वो थोड़ा देख लेंगे, डिवाइडेड बाय जी।
यहाँ पर आप देख लें R1 का एक्सप्रेशन और R2 का एक्सप्रेशन दोनों सेम आया, यानी इस केस में R1 इज इक्वल टू R2 आपको मिल गया। ओके, जो आपको प्रूफ करना था यानी मैक्सिमम रेंज के लिए जो 45 एंगल आपने लिया था, अगर आप उससे जितना एंगल कम रखते उतना ही एंगल ज़्यादा रखते तो वैसे केस में दोनों ट्रेजेक्ट्री का जो रेंज होता, मतलब यहाँ से यहाँ तक, वो इक्वल होता। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम ही दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। अभी हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे और ये एक्सप्रेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, एक्सप्रेशन फोर, टू डिफरेंट, अच्छा सेम नहीं, टू डिफरेंट एंगल्स फॉर विच है ना रेंज इज इक्वल, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मतलब रेंज इज इक्वल, ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है और कभी कभी डेराइव करने के लिए भी आता है। तो चलिए ठीक है, वेल हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम जैसा बना हुआ है, ओके, हम बीच वाले को हटा देते हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम वाले का जो पाथ था उसको हटा दिया। अब हम यहाँ पर इसको भी हटा दिए, ओके, 45 की बात ख़त्म कीजिए और दो पाथ की बात कर रहे हैं। एक का एंगल आप फिलहाल क्या रखें, अल्फ़ा मान लें, दूसरे का एंगल कितना मान लें, बीटा मान लीजिए। ये अल्फ़ा और बीटा कितना होगा, जब दोनों के लिए जो रेंज है वो आपको इक्वल दिख रहा है, ओके, मतलब R1 और R2 दोनों इक्वल है जैसा कि कंडीशन है। चलिए अब R1 और R2 का जो क्राइटेरिया है उसको पुट कीजिए और फिर डिस्कस कर लीजिए कि कैसा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है, सिचुएशन बोल रहा है कि R1 इज इक्वल टू R2, हम लोग R1 इज इक्वल टू R2 लेकर के चलेंगे। R1 में क्या लिखिएगा आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पर पहला एंगल अल्फ़ा है यानी 2 अल्फ़ा और बाय जी इज इक्वल टू R2, क्या लिखेंगे R2 आप लिखेंगे फिर से यू स्क्वायर साइन, ओके, 2 बीटा, क्योंकि थीटा 2 की जगह पर बीटा है, बाय जी, ओके। यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे यू स्क्वायर बाय जी, हाँ यहाँ पर एक बात का ध्यान दिया गया है कि दोनों समय जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है, और तब रेंज इक्वल की बात की जा रही है टू डिफरेंट एंगल पे। तो एक अल्फा और बीटा और उसके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, ओके। तो ओबियस है कि आपको यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद से साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा आया। देखिए यहाँ से हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या है कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा एक तो लिखा जा सकता है, और एक बात और मालूम है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। तो वैसे केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 बीटा, ओके। जहाँ तक इसका बात है, यहाँ साइन दोनों तरफ से अगर रिमूव करेंगे तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। एंगल सेम रखते, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम रखते तो रेंज डिफरेंट होने की बात ही नहीं है। तो ये तो ओबियस केस है, जनरल केस है, नॉर्मल केस है, जिसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता की बात नहीं करनी है। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है उसकी बात हम लोग को कर लेनी है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अगर इस सिचुएशन को लेकर के चलते हैं तो उसके हिसाब से आपको 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 बीटा आएगा। थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कीजिए, ओके, तो आपके पास क्या आ गया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 90 डिग्री। दो एंगल जिसका सम 90 होता है उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं तो वैसे केस में आपको R1 इज इक्वल टू R2 मिलेगा, मतलब रेंज इक्वल मिलेगा, ओके। अब जैसा कि मान लीजिए कि अल्फ़ा का वैल्यू आपने 30 डिग्री लिया था, तो दूसरा एंगल कितना हो जिसके लिए रेंज सेम हो, तो दूसरा एंगल ऑब्वियस है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90। वैसे केस में दोनों बॉडी को अगर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो उसका रेंज सेम होगा। अगर यहाँ पर मान लें कि हमारे पास एंगल बदल गया, 20 हो गया, तो बताइए बीटा कितना होगा जिसके लिए रेंज सेम होगा, दिख रहा है साफ साफ,
90 होना चाहिए दोनों का सम, तो यहाँ पर अगर 70 दे देंगे तो ऑबियस है कि 70 प्लस 20 90, और इसके केस में इस कंडीशन के बाद हम लोग एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं हाइट के लिए। जैसा कि आपको मालूम है मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन होता है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है। अब अगर ये दो केस हैं तो यहाँ पर एक आप h1 बोल सकते हैं या इस हाइट को h अल्फा बोल दीजिए और इसके मैक्सिमम हाइट को ओके रेफरेंस के रेस्पेक्ट में h बीटा बोल दीजिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g होगा, और अगर हम यहाँ पर h बीटा भी लिखना चाहें ओके तो वैसे केस में ये रेशियो जो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2g होगा ओके। अब देखिए यहाँ से यू स्क्वायर बाय 2g तो कैंसिल कर देंगे तो h अल्फा बाय h बीटा इज इक्वल टू आपके पास जो आया ऊपर है साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे हो गया साइन स्क्वायर बीटा। अब जैसा कि आपने निकाल के रखा था क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 अगर रेंज सेम है तो वैसे केस में अब दो सिचुएशन हमारे पास हो सकते हैं। हम अगर चाहें तो बीटा को निकाल करके पुट करेंगे तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होगा, और अगर ये पुट करते हैं तो देखिए h अल्फा बाय h बीटा आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर सॉरी ऊपर यहाँ पर ये तो अल्फा ही रहेगा, ये अल्फा ही रहेगा और यहाँ पर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। नीचे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा, यानी एच अल्फा बाय एच बीटा का जो रेशियो आया वो टेन स्क्वायर अल्फा आया। अगर यही चीज़ हम बीटा के टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख लेते हैं, उस केस में एच अल्फा का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा ओके ये रेशियो है एच अल्फा और एच बीटा का, तो आपके पास एच अल्फा बाय एच बीटा आप देख सकते हैं क्या होगा वो तो कॉस स्क्वायर बीटा और नीचे साइन स्क्वायर बीटा यानी ये कॉट स्क्वायर बीटा। ये दो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस आपको मिल गए ओके। चलिए इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट और पोजीशन ओके। ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी यू एंगल थीटा पे, तो इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट एक यू एक्स दूसरा यू आई, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, यू आई का वैल्यू यू साइन थीटा, ए एक्स तो जीरो होगा पहले भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और तब वी एक्स निकालना चाहें तो वी एक्स का एक्सप्रेशन आपके पास यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू की बात करें तो यू कॉस थीटा रख सकते हैं और यू वाई की बात करें तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा और माइनस जी टी आ जाएगा। इसी तरह से एस एक्स चाहें तो हमको इतना मिल जाएगा और एस वाई भी हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट पे हम वेलोसिटी वी को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ भी वी एक्स का दो कंपोनेंट होगा एक वी एक्स और दूसरा वी वाई। अब हमको वी एक्स और वी वाई निकालना है तो डायग्राम से वहाँ साफ दिख रहा है कि जो वी होगा वो आपको वेक्टर के फॉर्म में एक तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा। ऐसा है कि इसको आप वी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ओके। तो वैसे हालात में आप कर क्या सकते हैं एक बार और देख लें, बड़ा ध्यान से देख लें। वैल्यू पुट करने की बात अगर आएगी तो आप इजीली पुट कर सकते हैं। देखिए वी एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, एक बात आपको दिख रहा होगा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ ओके। और दूसरी बात अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा वी वाई की बात तो वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी है, इसको भी पुट कर लीजिए और इसका स्क्वायर। टाइम के टर्म में मतलब एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं आपको भी मन कर रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर लें,
तो कर लीजिए स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या हो गया, ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी और प्लस जी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर चलिए यू स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। वेल ये तो बढ़िया है, अभी वहाँ से भी कुछ कॉमन लेते हैं। अब बोलिए कॉमन तो कुछ है नहीं, हाँ थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से टू और जी को कॉमन लेते हैं तो देखिएगा वहाँ पर यू साइन थीटा बच जाता है इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ गया यू स्क्वायर इंटू वन माइनस ये वाला पार्ट यहाँ एस वाई में दिया हुआ है, ला करके इंसर्ट कर दीजिए टू जी इंटू एस वाई। चलिए इंटू वन मतलब वही हो गया, यानी वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड का रिलेशन ये भी हो गया और ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है इसलिए एस वाई आया और ये पोजीशन के टर्म में है। तो दो एक्सप्रेशन आपके पास आ गए, दोनों एक्सप्रेशन को फिलहाल आप नोट कर लें और दोनों एक्सप्रेशन को नोट करने के बाद से चलिए हम यहीं पे दोनों एक्सप्रेशन को साथ साथ रख लेते हैं। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास मिलेगा वो एंगल का, जैसा कि वहाँ दिखाया जा रहा है अल्फ़ा एंगल वेलोसिटी वेक्टर का, उसको भी थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। तो जैसा आपको दिख रहा होगा ओके कि अगर हम टैन अल्फ़ा लिखते हैं तो हमारे पास टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, तो कोफिशियंट ऑफ जे कैप मतलब वी वाई और वाई कोफिशियंट ऑफ आई कैप मतलब वी एक्स, यानी यहाँ पर आपको टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी और डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। ओके इसी को एनसीईआरटी में एक जगह प्रूफ भी करना है कि जो अल्फ़ा है वो टैन इनवर्स ओके वी एक्स बाय वी वाई, मतलब इसको बाद में लिखा है कितना, तो यू साइन थीटा को यू साइन थीटा को यू वाई माइनस जी टी लिखा है और यू कॉस थीटा को यू एक्स लिखा है और ये प्रूफ हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.32 में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.32 में ये प्रूफ करना है, तो यहाँ से चाहेंगे तो पुट करके प्रूफ कर सकते हैं जैसा आपको दिख रहा है। ओके अभी नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एंगल आपको अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा निकल जाएगा, ये आपको पता चल गया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये तो हम इस पोजीशन पे निकाले थे, एक पोजीशन यहाँ पर ये भी है, अगर मान लीजिए कि ग्राउंड थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो जो भी प्रोजेक्टाइल हो वो अंदर की तरफ जाता तो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करते ये होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता इसकी बात कर लें। ओके तो हम बात कर रहे हैं एट दी कहाँ पर पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, आज मैंने बोला भी था कि कुछ बातें स्पेशल होंगी, तो एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक दो बातें क्या हैं, एक तो जो टी है वो आपको कैपिटल टी के बराबर होगा, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और ये कितना होता है टू यू साइन थीटा बाय जी। ओके और एस वाई की बात करें ओके जहाँ स्ट्राइक किया इस पोजीशन पे है ना, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यहाँ पर अगर एस वाई की बात करें तो एस वाई आपको जीरो होगा और अगर आपने एस वाई जीरो पुट कर लिया तो देखिए एक आपके पास भी का जो रिलेशन होगा इसमें पुट कर दीजिए एस वाई जीरो अंडर रूट है ना यू स्क्वायर माइनस टू जी इंटू जीरो, मतलब ये यू स्क्वायर का रूट यानी भी इज इक्वल टू यू, कमाल का रिजल्ट है। यहाँ पर जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक भी हुआ। अच्छा अब किस एंगल पे स्ट्राइक हुआ, अगर इस एंगल की बात करें इसको निकाल करके देखते हैं कि कितना आता है, तो चलिए आपको टेन अल्फा का एक्सप्रेशन यहाँ पर रखा हुआ है, बस वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ तो यू साइन थीटा और माइनस जी इंटू
अभी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया हुआ है कितना, 2u sin थीटा बाय g, जी जी को कैंसिल कर दीजिए, और जी जी को कैंसिल कर दीजिएगा, नीचे आपके पास क्या है, यू कॉस थीटा है, आपको दिख रहा होगा माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। ओके, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, यानी टेन अल्फा का जो वैल्यू आया वो देखिए माइनस टेन थीटा आया, इसको आप टेन है ना माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ट्रिगोमेट्री का रूल अप्लाई करके। और ऐसे केस में अगर टेन अल्फा इज इक्वल टू इतना है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा, वेल बहुत बढ़िया, यानी ये एंगल थीटा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में है इसलिए पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज में है इसलिए नेगेटिव, दूसरे सेंस में रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव लिया, रेफरेंस लाइन के नीचे है तो नेगेटिव हुआ, यानी एंगल भी आपको वही सेम मिला, वेलोसिटी भी वही सेम मिला जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वही फाइनल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा जब वो स्ट्राइक करेगा, बशर्ते आपने एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया है, एयर फ्रिक्शन को जीरो मान करके चल रहे हैं, हो सकता है कि एयर फ्रिक्शन हो, वैसे केस में तो जो आप एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट ले रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो हो सकता है कि ना हो, वैसे केस में तब पाथ भी आपको जो पैराबोलिक मिल रहा है वो पैराबोलिक नहीं मिल करके जिगजैग मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डीलिंग करते हैं तो ये बात साफ लिखा रहता है नेगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, अगर नहीं लिखा है तब तो नेगलेक्ट करना ही है, और लिख दिया तब हाँ कहीं मेंशन कर दिया कि इंक्लूड कीजिए तो उस समय उस वक्त उस सिचुएशन को सोचना होगा और तब एनालाइज करना होगा। ओके, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल गया। हाँ, अभी यहीं से कुछ और भी रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए, और ये आपको सबसे अहम बात, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट दिख रहा है, मैक्सिमम हाइट एच है ना, इस पोजीशन की बात करें यहाँ पर अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इस पोजीशन पे ये मैक्सिमम हाइट एच है, इस एच हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका जीरो हुआ था, लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी भी यू कॉस थीटा ही है, तो थ्रो करने के वक्त जो आपने एनर्जी दिया यहाँ पर वो टोटल एनर्जी था वो कितना था, हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। अभी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है एट हाइट एच तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिखेंगे एम जी इंटू कैपिटल एच, मतलब आप यहाँ लिखेंगे एम जी और एच का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, जी जी को कैंसिल कर दीजिए, जो रिजल्ट है उसको याद रखिए। इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, वेल बहुत बढ़िया ये डिस्कशन है, यहाँ पर हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, अच्छा हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल था उसकी बात नहीं, हम इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाफ तो ठीक है, ओके एम ठीक है, और इस पोजीशन पे जो भी आया था, हाँ उस भी को हमको लिखना होगा और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो भी यहाँ पर कौन सा है, वाई कंपोनेंट तो जीरो है, केवल एक्स कंपोनेंट है, यानी यहाँ पर आपके पास यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब चलिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच की बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच की बात करनी है और रेशियो निकालना है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, m कैंसिल है ना, तो यहाँ पर u स्क्वायर भी कैंसिल, ऊपर में रह गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में रह गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन स्क्वायर थीटा, कभी प्रूफ करने के लिए भी देता है और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट हाजिर है। ओके, इस रिजल्ट का भी ध्यान रखेंगे, एक रिलेशन बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम टोटल एनर्जी निकालें कहाँ पर, हाइट एच पे,
है ना, किसी पोजीशन पे नहीं, हाइट h पे निकालते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी में कॉमन क्या आएगा, हाफ m इंटू यू स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिख लिया तो ये हाफ एम यू स्क्वायर इंटू वन क्या मिला, अच्छा मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर इंटू वन आ गया, ये टोटल एनर्जी जो इनिशियल था, ये जो टोटल एनर्जी था इनिशियल था, इसके बराबर हो गया। अगर फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, मतलब क्या है इसका, इसका कंक्लूजन क्या है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। हाँ, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ भी वैलिड है, इसको आप ये कर सकते हैं। एक और अच्छी बात हम आपको दिखाएंगे इसी पार्ट में, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लेंगे बारी बारी से वीडियो पॉज करके, बड़े काम का है। आज का डिस्कशन थोड़ा खास, थोड़ा स्पेशल। अच्छा, एक बात बोलें, अगर एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की बात करें, है ना, अगर हमने प्रोजेक्ट किया था 45 डिग्री से, तो वैसे कि इसमें टोट जो आप देख रहे हो मैक्सिमम हाइट, वहाँ पे यहाँ पर तो 45 लिखना होगा, यहाँ पर 45 लिख करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर 45 मतलब 1 इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h बाय काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h। ओके, और तब इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h, बशर्ते आप 45 पे थ्रो कर रहे हैं तो। हाँ, 45 के अलावा कोई दूसरा एंगल हो तब ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अभी एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इस केस में ही 45 वाले केस में ही अगर निकालते, है ना, एट हाइट h, तो ये कितना आता। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी में 45 पुट करते, साइन स्क्वायर 45 मतलब 1 बाय रूट टू का होल स्क्वायर, 1 बाय रूट टू का होल स्क्वायर मतलब 1 बाय टू, और 2 पहले से था, तो ये कितना आता, 1 बाय 4 एम और यू स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी में तो देखिए, अगर यहाँ पर कॉस 45 भी आपको 1 बाय रूट टू होता है, उसका स्क्वायर 1 बाय टू होगा, तो ये भी तो आपको 1 बाय टू इंटू टू हाफ एम यू स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच। ओके, तो जो यहाँ से आप प्रूफ कर रहे थे, आप चाहते तो इस रिजल्ट से भी प्रूफ करके देख लेते, दोनों ही आपको सेम आएगा। ओके, तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए सिचुएशंस हैं जो डिस्कस करना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहें तो कम्पिटेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल आया तो सॉल्व तो कर ही लेंगे। एक और बात और ख़ास बात करें रिलेशन की, हमने बात किया था आपको एच और आर। ओके, तो आज थोड़ी सी बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, मतलब मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, जिनको याद है मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन वो थोड़ा सा बताएं, और नहीं याद है वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। ओके, यहाँ पर h का एक्सप्रेशन जैसा कि आप बता रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और r का एक्सप्रेशन आप जैसा बताएं बता रहे हैं कुछ लोग कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। चलिए हम डिवाइड करते हैं दोनों को, डिवाइड करने में जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए। रिलेशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप डिवाइड कर दिया कीजिए, जो कॉमन क्वांटिटी है कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए, लाइट हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया साइन 2 थीटा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 थीटा है और ऊपर में स्क्वायर थीटा है, इसीलिए हम h और r के एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहने का सजेशन देते हैं आपको। हाँ, एनीवे आपने, अच्छा एक और चीज़, तो इसका 2 भी तो रहेगा, तो 1/2, तो 1/2, हाँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख लीजिए। ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, 1/4, एक साइन थीटा कट गया,
तो आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, एच बाय आर इज इक्वल टू ऐसा। एनसीईआरटी फिर से मैं याद दिलाऊं कि 4.32 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वही सेम क्वेश्चन जो पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है आपको कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4H मैक्स लिखता है वहाँ बाय आर। ओके, देखिए अब इसी एक्सप्रेशन को हम अगर टेन थीटा लिखते तो आप लिखते तो यहाँ पर आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H, यानी आप यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H बाय आर लिखते। ऑब्वियस है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4H बाय आर लिख सकते थे। एनसीईआरटी कैपिटल H को H मैक्स लिखा है इसलिए ऐसा लिखा है, तो कभी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आकर के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कहाँ आ गए हम, फॉर्मूला इतना सारा याद कैसे रखेंगे, दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगता है। तो जैसा मैं बताता हूँ कि फॉर्मूले जब ज़्यादा हों तो याद करने के तरीके खुद ही याद करने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए केमिस्ट्री के टीचर कुछ गाने के सेटिंग्स बताते हैं आपको। एक बात और भी है, जो टीचर्स आपको गाना बताते हैं तो गाना उनको याद रहता है और उस पर वही सेट कर पाते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं कभी कभी फेल भी कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाए कि हम अपना फॉर्मूला याद करें ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे। और वो अपना फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H आपने लिखा है, ओके, देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे अगर इस तरह से फॉर्मूले को डेवलप करना सीख जाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं आर रॉ टेन को तन, ओके रतन, ओके, और ये 4 है तो इसको हिंदी में 4 लिखते हैं, ओके, और है जब भी हम चाहेंगे, जब भी हम रतन 4 है याद करेंगे तो आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ आप भी कीजिए, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ क्रिएटिविटी बढ़ाइए, फिजिक्स को आसान बनाइए, और कुछ फिजिक्स अगर आसान हो जाए तो हमें भी बताइए, हमें भी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं भी कुछ सीखूं। मैंने बोला था पहले भी, कुछ सीखने की कोशिश, कुछ सिखाने की कोशिश, यहाँ पर प्रीच नहीं करना है, उपदेश नहीं देना है मुझे। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।